Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. तो स्वागत है आपका 5 मिनट वाली क्लास में और आज 5 मिनट क्लास में हम जानेंगे शानदार सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में आपने जरूर से जरूर 100% आपने इसका यूज़ किया होगा, उपयोग किया होगा, बोला होगा. तो उन सेंटेंस को जानेंगे हम उनको हिंदी अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं जब हम हिंदी से अंग्रेजी में स्विच करते हैं तो हम सोचते हैं यार ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस ऐसे बनाएंगे. तो मैं आपको बता दूँगा हर सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि जो बात इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं वो अंग्रेजी में उसका उलट मतलब होता है, मतलब उलट मतलब ट्रांसलेशन उलट होता है, ठीक है, ऐसे अंग्रेजी में होता है. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, 5 सेंटेंस देखते हैं शानदार. आपने आई होप आपने जरूर हिंदी में सुने होंगे, आपको सीखना है अंग्रेजी में हम कैसे बोल सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को आप अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं. तो देखते हैं 5 सेंटेंस फर्स्ट में चुटकियों में देखते हैं. तो देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, यह खोटा सिक्का है. आपने जरूर बोला होगा लाइफ में कि यार यह तो खोटा सिक्का निकला, सुना होगा ना, यह खोटा सिक्का है, बोला हो ना, बोला होगा, जरूर बोला होगा. तो क्या बोला है, यह खोटा सिक्का. तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलने लगे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यह खोटा सिक्का है. क्या बोलेंगे, इट इज अ वेस्ट कॉइन. क्या बोलेंगे, इट इज अ वेस्ट कॉइन, यह क्या है, खोटा सिक्का है, यह खोटा सिक्का, इट इज अ वेस्ट कॉइन, यह खोटा सिक्का है. तो यह हम जनरली हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं इट इज अ वेस्ट कॉइन, इट इज अ वेस्ट कॉइन. ओके, बोल सकते हैं मैंने उस पर विश्वास किया था, आई हैड ट्रस्ट हिम, बट यह तो खोटा सिक्का है, लेकिन इट इज अ वट इट इज अ वेस्ट कॉइन, वट इट इज अ वेस्ट कॉइन हम बोल सकते हैं, ठीक है. ये सेंटेंस आपने हमेशा देखा होगा, रिश्तेदारी में जाते हैं, घूमने जाते आप जाते हैं या फिर कोई आते हैं तो जरूर पूछते हैं क्या कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ. जैसे ऑफिस जाते हैं कोई पहचान के बोले आपको यहाँ आना कैसे हो, कैसे आ गए भाई, यहाँ यहाँ कैसे आया बताओ काम से, ऐसे हालचाल पूछते हैं ना. तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्हाट्स ब्रिंग यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, क्या व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, आपका आना यहाँ कैसे हुआ, आपके यहाँ आना कैसे हुआ बोल सकते हैं. व्हाट्स ब्रिंग यू हेयर, व्हाट ब्रिंग यू हेयर हम बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये दो सेंटेंस हमेशा आप यूज करते हैं, ठीक है. दूसरा है, दूसरा सेंटेंस आप देखा होगा, परेशान है, मैं दुविधा में हूँ क्या करूँ, मैं दुविधा में हूँ क्या करूँ. क्या बोलेंगे, मैं दुविधा में क्या करूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू, आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू. क्या बोलेंगे, आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू, मैं दुविधा में हूँ क्या करूँ, क्या करूँ मैं दुविधा में, क्या बोलेंगे, आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू, हम जनरली बोल सकते हैं, ठीक है. तो इसका ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो बहुत अलग निकलेगा, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलेंगे idioms के तौर पर सेंटेंस, ठीक है. ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपने देखा होगा कि कोई बहुत दिन बाद मिलता है, ठीक है, और बोलते हैं ना कि हमने दिल खोल कर बातें की. क्या बोले, हमने दिल खोल कर बातें की है, हमने दिल खोल कर बातें की, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं हमेशा, हमने उससे दिल खोल कर बातें की. तो क्या बोलेंगे, वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक, वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक. दिल खोल कर बातें वो नहीं कि ऑपरेशन किया, चीर दिया, फिर उसको बातें करो, वो तो नहीं बोलते हैं ना. तो हम क्या बोलते हैं, दिल खोल कर, मतलब कि जितनी भी बातें थी सब हमने शेयर कर दी एक दूसरे के बीच में. तो क्या बोलेंगे, वी हैड अ हैड टू हार्ट टॉक, वी हैड अ हैड टू हार्ट टॉक, हमने क्या किया, दिल खोल कर बातें की, वी हैड अ हैड टू हार्ट टॉक हम बोल सकते हैं, ठीक है. ऐसे लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट टाइम क्या है कि छोटे बच्चे क्या है, बच्चे छोटी छोटी बातों पर बिगड़ पड़ते हैं. बोलते हैं ना, बच्चे छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाते हैं, तरह कुछ कर दो तो नाराज़ हो जाते हैं ना, नाराज जल्दी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं. तो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, माँ बाप से सुना होगा कि बच्चे जल्दी बिगड़ जाते हैं, ठीक है, बिगड़ पड़ते हैं. तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन फॉल आउट ओवर ट्राइफ्लीज, चिल्ड्रन फॉल आउट ओवर ट्राइफ्लीज. फिर से बोलो, चिल्ड्रन फॉल आउट ओवर ट्राइफ्लीज. तो यह क्या थे, आज के पांच क्या थे, सेंटेंसेस थे. आपको आई होप आपको 100% इसकी अंग्रेजी में जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो ऐसे इसी तरह के सेंटेंस के लिए आप और मुझे कमेंट करें और बताएं कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है. साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जितने भी यार हो, फ्रेंड हो, सबको शेयर कर दो. साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 5 मिनट की क्लास में. ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.